जितना वेट होता है वो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, इतना कैफीन वर्ल्ड वाइड लोग ड्रिंक करते हैं, इंटेक करते हैं। लोगों में ऐसा लग रहा है वो नहीं होता। बूम, सो बॉयज एंड गर्ल्स करते हैं आज का वर्कआउट, बैक वर्कआउट। बिकॉज यार हम 4 दिन से हम फुल बॉडी ट्रेन कर रहे थे, बट मैंने सोचा आप थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं, मतलब एक मसल को थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज फुल बॉडी करते करते मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ। सो इंडिविजुअली ट्रेन करते हैं, लाइक पुश पुल लेग। सो या कल हमने करा था पुश, आज हम कर रहे हैं बैक, और अब कल करेंगे लेग। आठ आठ के लगा ले, 5 सेट, 8-8 के 5 सेट लगाएंगे, बहुत है। स्टार्ट है वीडियो। पैंड वो ओवर रोइंग लगाई पहले प्रोनेट ग्रिप से 4 सेट, अब मैं लगाऊंगा सुपरनेट ग्रिप से, बिकॉज हमारे पास इतने के ऊपर नहीं है। सो हम वेरिएशन चेंज करके भी वर्कआउट कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक मसलों को अलग अलग टाइप से हिट मिलता है। सो गाइस ये सारा सेटअप विद वेट्स अप्रोक्स 60 kg प्लस वेट, और ये सारा बैच करके सेटअप अराउंड और प्लस रोड आपका मैक्स टू मैक्स 5000 में आ जाएगा, और मिनिमम से मिनिमम 3000 में आ जाएगा। इफ़ आपके ऑफलाइन लिंक है तो 3000 के अंदर ईजिली आ जाएगा। अगर आई नो इस सिचुएशन में तो आप बाहर जाना, मतलब बाहर मिलना ही मुश्किल है, सो आप ऑनलाइन ट्राई करो, 5000 के अराउंड मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, देख लेना अगर आपको सही लगे तो। हेलो फिट हमारी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल से, कैसे हो आप लोग। आज हमारा डे 3 30 व्लॉग चैलेंज का। सो बाय द वे आपने नोटिस करा कि मैं रेगुलर व्लॉग बना रहा हूँ, इनिशियल डेज में भी बना पा रहा था, बिकॉज अभी लॉकडाउन लगा हुआ तो अब भी लॉकडाउन लगा हुआ है, सो अब टाइम मिल रहा था क्यों ना व्लॉग ही बनाए। एंड बाय द वे किसी का कमेंट आया था प्रीवियस व्लॉग में कि ब्रो आप क्या पीते थे, वो 100 रुपए से बन गया था, तो चलो भाई दिखाते हैं आपको। नींबू का है। सो बेसिकली हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं चाहिए, नींबू सबके घर में होता है, जीरा भी सबके घर में होता है, अपनी मम्मी से पूछ लेना जीरा कौन सा होता है, कहीं जीरे की जगह आप कुछ और डाल दो पुदीना। सो या सो जीरा को सबसे पहले पैन में थोड़ा सा भून लेना, मतलब ज़्यादा जलाना नहीं, सिर्फ थोड़ा सा भूनना है हल्का हल्का सा, देन जीरे को ग्लास में डालना, उसके ऊपर नींबू,
आपको जितना ठीक लगेगा, मैंने तो पूरा डाल दिया बिकॉज छोटा सा नींबू था ना इसलिए। देन उसके बाद पिंक सॉल्ट लेने का, पिंक सॉल्ट थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1-2 ग्राम के आसपास। देन ठंडा ठंडा पानी मिक्स करके उसको पी जाना। और जीरे का हमने क्यों यूज़ करा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पायदा यार कितना कितना अमेज लग रहा है, देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। लोग क्या करते हैं सुबह उठते नींबू पानी पीते हैं, मतलब बेसिकली नींबू डाल के पानी पीते हैं, उनको लगता है फैटलेस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। फैटलेस जब भी होगा जब आप अपनी कैलोरी कट करके खाओगे अपने बेसिक मेटाबॉलिक रेट से। ओके, इससे इसमें डिटेल वीडियो निकाल दूंगा, चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तावे सिंपल खाना है, दाल चावल सलाद। फायदे यार इस लॉकडाउन की वजह से ना एपेट बहुत ज्यादा लो हो गया, बिकॉज हमारा एक्टिविटी लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है, सो इस वजह से हम फूड कम खा रहे हैं। सो इसलिए आप लोग ट्राई करो कि लिक्विड कैलरी ज्यादा कंज्यूम करो, बिकॉज लिक्विड आप खाओगे सो उससे आप ज्यादा कैलरी कंज्यूम कर पाओगे, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग फुलफिल हो जाएंगे। बूम सब बॉयज जिंकल। सुबह से मैंने कुछ ज्यादा खास व्लॉग नहीं करा बिकॉज मैं आज पढ़ रहा था नॉवल मिस हेलेन केलर की। वैसे मैं ज्यादा नॉवल पढ़ता नहीं हूँ, बट हाँ मैं रात को सोते टाइम यार ऑडियो बुक्स होती वो मैं सुन लेता हूँ, बिकॉज ये किसी की नॉवल सुनना, किसी की लाइफ की जर्नी सुनना, मतलब उसकी पूरी लाइफ की सक्सेस स्टोरी अपने कुछ घंटों में सीखना कि इन्होंने कैसे कुछ अचीव करा है। सो बाय द वे इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है यार। ये बाय बर्थ डेफ एंड ब्लाइंड थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या इन्होंने इतना कुछ अचीव करा। सो या आप लोग की लाइफ में मोटिवेशन नहीं है तो इस तरह की नॉवेल्स पढ़ो या फिर सुन लो। ओके 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 यो सो यार चलते हैं बनाते हैं आज की कॉफी, बिकॉज हमारा चैलेंज हो गया कंप्लीट। हमको होगा 30 डे कंप्लीट कॉफी छोड़े हुए। प्रीवियस लोग देखा तो आपको पता होगा कि आज ये सब डिस्कस करने वाला था। तो सबसे पहले बनाते हैं कॉफी, अब हम कर बैक गए बिकॉज अब हमें करने जाना है वर्कआउट। मम्मी लाइट जला दो, लाइट जला दो। वेयर इज माय कॉफी? टिंग टोंग। ग्रेट, चलो शीशे तो पड़े एटलीस्ट एक बहुत है। हेलो ब्रदर, सो बॉयज एंड गर्ल्स 30 डे हमारा चैलेंज कंप्लीट होता है कैफीन जो मैंने ड्रॉप करा था। एंड बाय द वे मैं ज्यादा नहीं बोलता वरना आप लोग बोर हो जाओगे इस टॉपिक में। सो बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि प्री वर्कआउट में कैफीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हाँ ले लो, 30 mg ले लो, मोर देन 300 मत लो। सो गाइस कैफीन प्री वर्कआउट में लेते सबको पता है बहुत ज्यादा फेमस ड्रग है, एक तरह से कैफीन ड्रग ही है। सो 14 आईफिल टावर का वेट मिला के जितना वेट होता है वो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, इतना कैफीन वर्ल्ड वाइड लोग ड्रिंक करते हैं, इंटेक करते हैं। सो उनमें से एक हम भी है जो वर्कआउट से पहले कैफीन लेते हैं। सो बाय द वे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था यार, मैं बहुत ज्यादा कैफीन ले रहा था और बहुत टाइम से ले रहा था, सो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हुआ कॉर्टिसोल का। सो समझो आप कैफीन इंटेक करते हो, पहला आप कैफीन क्या है, स्टिमुलेंट है आपका नर्वस सिस्टम का, प्लस आपका डोपामिन अप होता है, और डोपामिन क्या है आपका पॉजिटिव हार्मोन जो आपको हैप्पी फील कराता है, और साथ में इसका भाई है कॉर्टिसोल। जैसे जैसे कैफीन का इफेक्ट डाउन डाउन होता है वैसे कोर्टिसोल ऊपर आता रहता है। और कोर्टिसोल है बैड हार्मोन जिसकी वजह से आप काफी लो फील करते हो, डाउन फील करते हो, मतलब इतना अजीब फील करते हो, मतलब बोले तो एक पॉजिटिव का नेगेटिव वाला फील करते हो, ऐसा समझो। ओके
सो मेरे को कोर्टिसोल बहुत ज्यादा हो रहा था बिकॉज मैं 300 mg कैफीन ले रहा था. सो ज्यादा कैफीन से आपका वर्कआउट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होगा, देन थोड़ी देर में वो डाउन हो जाएगा और कोर्टिसोल अप हो जाएगा और आपको अजीब फील होगा. सो ये मेरे साथ हो रहा था. सो इसलिए मैंने कैफीन बंद कर दिया था, अब थोड़ा सा लिया है और अब मैं सिर्फ 30 mg लूंगा या मैक्सिमम 50-60 mg लूंगा. 1 ग्राम कॉफी में 30 mg कैफीन होता है. सो मैं 2 ग्राम का पैकेट ले लूंगा, उसमें 60 ग्राम में वो कैफीन मिल जाएगा, वो इनफ है और मैं इससे ज़्यादा कभी लूँगा नहीं बिकॉज ज़्यादा कैफीन से आपका वर्कआउट स्टार्टिंग में अच्छा होगा और धीरे धीरे बेकार होगा. सो मिनिमम कैफीन में आपका वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाएगा. मिनिमम कैफीन लो, 30 mg कैफीन लो, बहुत है, एक छोटा शैशे बस, उससे आपका वर्कआउट अच्छा होगा, इतना सही है. थोड़े से कैफीन से आपको अलर्टनेस हो जाएगी, आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे, ज़्यादा कैफीन से डाउन हो जाएगा. सो बस इतना समझो,